समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। योगी के रोड शो के लिए व्यापारियों की दुकान के आगे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके 3 साइड लाइट वायर आदि हटाए जाने से व्यापारी क्रोधित हो गए हैं। झांसी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना है। रोड शो से कुछ समय पहले व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां से रोड शो निकलना है उस जगह को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दुकान के आगे लगे टीन शेड आदि जो लगे हुए थे दुकान के सामने वे सब हटा दिए गए, जिसकी वजह से कई दुकानों के सामने लगे टीन शेड, बिजली के मीटर, लाइन तार सब कुछ ध्वस्त हो गया है। इसके बाद व्यापारियों में उबाल आ गया। व्यापारियों का कहना था कि हमेशा से रोड शो होते रहे हैं लेकिन प्रशासन की इस तरह की कार्यवाही पहले कभी नहीं देखी गई है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस बात की बेहद निंदा की। उनका कहना था कि यह बेहद गलत बात है। जनता जनार्दन मालिक होती है और अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का दौरा या फिर रोड शो हो तो उसके लिए जनता जनार्दन को परेशान नहीं किया जाता है, यह सरासर बिल्कुल गलत है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वह रोड शो के बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों में कहीं न कहीं रोष व्याप्त हो गया है। मंडल अध्यक्ष, अच्छा क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे रात में 11 बजे तक तो हम रहे, उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ। अब रात में ये 3 सेट उखाड़ गए, दुकानों की शटरें तोड़ गए, लाइट के मीटर तोड़ गए। अब इसके लिए बाजार में व्यापारी हल्ला कर रहा। अब क्या बात कर रहे हैं? वो तो हम लोग अभी तो सामान वामन अपना एक सा करवाएंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा। प्रशासन अधिकारी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रात बाद निधि आपका सही हो जाएगा जो भी है। आपको क्या लगता है शटर तोड़ना गलत है?